Hello friends, welcome to Shukla classes. Today's topic is sales and marketing management. In Hindi, complete topic Hindi mein kota. Let's begin the topic of sales and marketing management. First question is now define the sales management. विक्रय प्रबंध को परिभाषित कीजिए. तो विक्रय प्रबंध का आशय कंपनी के उत्पादन या से वाया दोनों विक्रय और सेवा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विकास से है. तो हमने यहाँ पे समझा कि विक्रय प्रबंध का क्या डेफिनेशन होती है, क्या परिभाषा होती है. अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम. व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. विज्ञापन क्या है? तो विज्ञापन एक ऐसी व्यापक संचार क्रिया है जिसके द्वारा नए ग्राहकों का निर्माण एवं विद्यमान ग्राहकों को अस्थायी बनाया जाता है. तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब हमने समझा कि क्या होता है. एक सामान्य भाषा में डेफिनेशन को समझा कि एडवर्टाइजमेंट क्या है. व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. व्हाट इज मार्केटिंग, यानी कि विपणन क्या है? तो विपणन में एक विक्रय, दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं. विपणन में क्या, क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं. इसका अर्थ यह है कि विपणन में केवल क्रय एवं विक्रय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है. तो हमने ऐसे समझा कि एक मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग क्या होती है, विपणन जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो क्या होता है, उसकी एक सामान्य भाषा में डेफिनेशन को समझा, उसके अर्थ को समझा जो कि भावपूर्ण है. चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज यूनिट प्राइस पॉलिसी, इकाई मूल्य नीति. इस नीति के तहत वस्तु की प्रत्येक इकाई के पैकेट पर उसके आधार या वजन आदि के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि मूल्य छपे रहते हैं. तो उन्हीं के बेसिस पर हमें वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है मार्केट में भी, और मार्केट से एक कॉमन कंज्यूमर के लिए भी वो सेम प्राइस पर दिया जाता है. तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन, बाय प्रोडक्शन और प्राइस पॉलिसी, यानी कि उत्पादन केंद्र मूल्य नीति से आप क्या समझते हैं. तो इस नीति से मैं वो सभी क्रियाकलाप से उत्पादन केंद्र गोदाम पर एक ही मूल्य वसूल किया जाता है. माल की लदाई एवं आगे का जो है वो परिवहन क्रेता को देना होता है. तो हमने यहाँ पे समझा उत्पादन केंद्र मूल्य नीति से आप क्या समझते हैं. इसमें जो कंप्लीट चीज़ है वो गोदाम से उठाने के बाद जो क्रेता है, विक्रेता है, उसके ऊपर आ जाती है सारी जिम्मेदारी. समझते हैं. है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, विक्रय प्रबंध की विशेषताएं. फर्स्ट है विक्रय प्रधान, सेलिंग मेन फंक्शन. विक्रय प्रधान में विक्रय अर्थात बिक्री प्रधान है. इसमें उन सभी क्रियाओं का निर्देशन, नियंत्रण एवं समन्वय किया जाता है जिनका संबंध विक्रय है. ऐसे करने उद्देश्य की बिक्री में वृद्धि करना और व्ययों में कमी करना एवं लाभ को अधिकतम करना है. सेकंड है विपणन प्रबंध का भाग, यानी कि पार्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. विक्रय प्रबंधन विपणन प्रबंध का एक भाग है. विपणन प्रबंध में वस्तु के बनाने पर विचार से लेकर उत्पादन एवं उसके बाद की क्रियाएँ भी आती हैं, जबकि विक्रय प्रबंध में केवल बिक्री संबंधित को समावेश होता है और ये प्रबंधन में ही संकुचित होती हैं. अगले थर्ड पॉइंट पे आता है हमारा है उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक सेल्स मैनेजमेंट की. उसी के अंतर्गत हमने थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य. विक्रय प्रबंध उद्देश्यात्मक होता है. यह उद्देश्य है पर्याप्त मात्रा में बिक्री करना, लाभों में वृद्धि करना, संस्था का नियमित विकास, साथ ही उपभोक्ताओं को वांछित वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना भी विक्रय प्रबंधन का उद्देश्य है. फोर्थ है निरंतर प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. विक्रय प्रबंध एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात इसमें समय समय पर आवश्यक परिवर्तन व संशोधन होते रहते हैं जिससे कि वह संस्था के दृष्टि से न्याय संगत बना रहे. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. हमारा जो इसमें फिफ्थ पॉइंट था हमारा वो है विक्रय शक्ति का प्रबंध, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स. विक्रय प्रबंध बिक्री विभाग से संबंधित कर्मचारियों एजेंटों की भांति भर्ती चयन व प्रशिक्षण का कार्य करता है. हम कर्मचारियों को विक्रय कार्य हेतु
आवश्यक साधन एवं सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो ऐसे कुछ कार्य हैं विक्रय शक्ति प्रबंध का, तो उनको आप देख सकते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर। तो राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट विक्रय क्रियाओं पर नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ऑन सेल, कंट्रोल ऑन सेल्फ एक्टिविटीज। सेकेंड है बिक्री बजट, सेल्स बजट। थर्ड है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को आप लेक्चर देखना चाहें आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फोर्थ है हमारा विक्रय कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल। फिफ्थ है विक्रय कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूज ऑफ सेल्स पर्सनल। सिक्स्थ है विक्रय शक्ति का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। सेवन्थ है उपभोक्ता संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एट्थ है क्रेताओं को आकर्षित करना, डू अट्रैक्ट द परचेजर्स। नाइन्थ है अधिकतम बिक्री और अधिकतम लाभ के लक्ष्य को प्राप्त करना, टू अचीव गोल्स ऑफ मैक्सिमम सेल्स एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। टेंथ आता है हमारा जो सबसे लास्ट है ऑब्जेक्टिव, बाजार सर्वेक्षण, यानी कि मार्केट सर्वे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट, विक्रय विभाग के विभिन्न कार्य तथा उत्तरदायित्व को स्पष्ट कीजिए। समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें विक्रय नीति एवं शर्तों का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स पॉलिसी एंड कंडीशन। सेकंड है विक्रय बजट बनाने की, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स बजट। थर्ड है विक्रय संगठन तैयार करना व अन्य विभागों में समन्वय करना, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मेक कोऑर्डिनेशन विथ अदर डिपार्टमेंट्स। फोर्थ है विक्रय अनुसंधान करना, सेल्स रिसर्च। फिफ्थ है हमारा विक्रय पूर्वानुमान लगाना, सेल्स फोरकास्टिंग। सिक्स्थ है भर्ती चयन एवं नियुक्ति करना, रिक्रूटमेंट सेलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट। सेवन्थ है हमारा प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग। एट्थ है कार्यों का निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस। नाइन्थ आता है जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, परिश्रमिक तय करना, रिक्रूटमेंट ऑफ इनमेशन। चलिए इसमें टेंथ पॉइंट है हमारा विक्रय योजना तैयार करना, इनके प्रिपरेशन ऑफ सेल्स प्लान। इलेवेंथ है विक्रय लक्ष्य निर्धारित करना, फिक्सेशन ऑफ सर्विस टारगेट। ट्वेल्थ है हमारा विक्रय क्रियाओं पर नियंत्रण करना, कंट्रोल ऑन सेल्स एक्टिविटीज। थर्टीन्थ है अभिप्रेरित करना, यानी कि मोटिवेशन। फोर्टीन्थ है हमारा निष्पादन मूल्यांकन करना, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन। फिफ्टीन्थ आंकड़ों का संकलन करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। और जो लास्ट हमारा पॉइंट बनता है ऑब्जेक्टिव के तहत सेल्स मार्केटिंग में, वो है 16th आर्थिक स्थिति का पता लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंक्वायरिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। व्हाट इज सेल्स फोरकास्टिंग, जो उसी अभी मैं पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा तो उसमें एक सेल्स फोरकास्टिंग का पॉइंट था, उस समय पर फोकस कर रहे हैं। तो बिक्री पूर्वानुमान क्या है, साधारण शब्दों में भविष्य के लिए संभावित बिक्री यानी कि मात्रा अथवा मूल्य का अनुमान लगाना ही बिक्री अनुमान कहलाता है। सामान्य शब्दों में किसी फर्म या कंपनी की दृष्टि से बिक्री पूर्वानुमान से आशय वस्तु के भावी बाजार में कंपनी अपनी कंपनी या फर्म के भाव को पहले निश्चित करने से है। दूसरे शब्दों में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसे लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, और ये लगता है तो इसे पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द प्रोसेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, विक्रय पूर्वानुमान की प्रक्रिया को लिखिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा जो काम होता है विक्रय पूर्वानुमान के उद्देश्य निर्धारित करना, पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, सेटिंग द फोरकास्टिंग ऑब्जेक्टिव। सेकंड है पूर्वानुमान कार्य को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित करना, डिवाइड प्रोसीजर वर्क्स इंटू मैनी स्मॉलर पोर्शंस। थर्टीन है विक्रय पूर्वानुमान की विधि निर्धारित करना, और फोर्थ है प्रतिनिधियों की गतिविधियों का अध्ययन करना। चलिए हम अगले आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, प्रारंभिक विक्रय पूर्वानुमान तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल सेल्स फोरकास्ट। सिक्स्थ है हमारा विक्रय पूर्वानुमान तथा विक्रय संवर्धन प्रयत्नों में पारस्परिक संबंध का अध्ययन करना। सेवन्थ है अंतिम विक्रय पूर्वानुमान तैयार करना, और एट्थ है विक्रय पूर्वानुमान का मूल्यांकन करना, एवोल्यूशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर आपको ये यूज़फुल वीडियो लगा है कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी और सब्जेक्ट से, तो आपको इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। अगला जो है टॉपिक सेल्स और मार्केटिंग से रिलेटेड है, वो है एडवर्टाइजमेंट प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और टाइप्स ऑफ एडवर्टाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ दिस चैनल। थैंक यू।